वो इस कार्य से कैसे बढ़ती है, यही हमारा एक उद्देश्य है लोगों तक ये सब पहुंचाने का। और हम संत श्री आशाराम जी बापू जी से ये सब उनकी ही सेवा कार्य है जो हम सब महिला उत्थान की बहने आगे लेके जा रही है। और इस सेवा कार्य में हमारे साथ साथ आप सबका भी योगदान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ही हमारी संस्कृति को जागृत करना है और हिंदू सनातन संस्कृति को हमें ही आगे लेके जाना है। इसीलिए तुलसी का महत्व, भगवद गीता का महत्व, ये सब हमें जानना बहुत ही जरूरी है, यही हमारी सेवा है। हरिओम। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा दी। तब से हर वर्ष तुलसी पूजन दिवस का प्रचार प्रसार देश विदेश में बड़े व्यापक स्तर पर किया जाता है। गीता जयंती और तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष में तुलसी के पौधे और गीता ग्रंथ बांटे जाते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में भी प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जगह जगह तुलसी व भगवद गीता का वितरण किया जा रहा है। आज गीता जयंती 14 दिसंबर को पूज्य बापू जी की पावन प्रेरणा से अमरावती के महिला उत्थान मंडल की बहनों ने विधायक रवि राणा जी को श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ और तुलसी रहस्य ग्रंथ, ये दोनों ग्रंथ भेंट दिए और उसके साथ तुलसी से बनी टॉफी और तुलसी का पौधा भी भेंट दिया। रवि राणा जी ने बड़े सम्मान पूर्वक गीता एवं तुलसी का स्वीकार करके मंडल को शुभकामनाएं दी। डीसीपी एमएम मकानदार साहब को भी दोनों ग्रंथ, पौधा और टॉफी भेंट दी। मकानदार साहब के टेबल पर पहले से ही एक तुलसी का पौधा रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि इसे रखने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आज मोक्षदा एकादशी है, ये भी मकानदार साहब ने स्वयं बताया, ये जानकारी भी उनको है। ऐसे पुलिस अधिकारी पर हमें गर्व होता है। महिला उत्थान मंडल ने अमरावती जिलाधीश कार्यालय को ज्ञापन देकर उनके जरिए सरकार से मांग की है कि श्रीमद् भगवद गीता को विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। शहर में कई जगह आम जनता को भी गीता ग्रंथ व तुलसी के पौधों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। साधुवाद है पूज्य बापूजी की शिष्याओं को, महिला उत्थान मंडल को। जय तुलसी मैया, जय गीता मैया, जय गुरुदेव। हरिओम।